नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दुर्गेश सोनी और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक रेडमी गो फ़ोन है। रेडमी गो मॉडल है जो कि इसमें प्रॉब्लम है हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूँ ये रेडमी का गो मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेडमी गो एक मॉडल है और ये इसमें हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम है, मतलब ये फ़ोन लोगो पे स्टक है। और ये फ़ोन को मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर तक आपको रख करके क्या एक्चुअल में ये लोगो प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ़ोन हमारा रेडमी का है, रेडमी गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी को मॉडल है और ये लोगो पे है जो कि MI लोगो पे स्टक है। ये फ्रेंड मैं दिखा दूँ, ये MI का रेडमी को फ़ोन है, स्टक है लोगो पे। इसकी मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आज इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो आपको करेंटली में तुरंत मिल जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, ये लोगो पे ही है, मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है और मैं ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकता। तो मैं आज इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, 110% इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ और ये 90% ट्रिक काम करती है फ्रेंड। 10% में आपको फ्लैश करना होगा, बाकी 90% आपको इस फ़ोन को ये ट्रिक काम करेगी फ्रेंड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है। अब फ़ोन को आपको प्रॉपर ऑफ करना है, प्रॉपर आपको फ़ोन को ऑफ करना है। अब इसको रिकवरी मोड में लेके जाना है फ्रेंड, आपको प्रॉपर फ़ोन को ऑफ़ करना है। रिकवरी मोड में ले जाने के लिए वैल्यूम अप और पावर की, तो आपको फिर पावर की छोड़ देना है और अप दबा के रखना है फ्रेंड्स। तो आपको रिकवरी मोड में लेके जाना है। मैं इसका 100% सोल्यूशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब आप रिकवरी मोड पर जाने के बाद आप फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाएंगे। रिकवरी मोड पे ले जाने के बाद क्या करना है मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने इसको रिकवरी पे ले गए हैं। रिकवरी पे ले जाने के बाद क्या करना है मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। रिकवरी में जाने के बाद आपको वाइप डाटा करना है फ्रेंड्स। रिकवरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइप डाटा दिख रहा होगा, आपको वाइप डाटा कर देना है। तो जैसे आपने वाइप डाटा कर देना है तो देखिए यहाँ पे नीचे वाइप डाटा हमारा डन हो चुका है। अब सिंपली आपको फ़ोन को रिबूट कर देना है फ्रेंड्स, फ़ोन आपको सिंपली रिबूट कर देना है। अब देखते हैं कि हमारा जो लोगो का प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। ये मैं बता दूँ 90% सोल्यूशन है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये 90% सोल्यूशन है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप देखिए, हमारी प्राइमरी बूट चालू हो गई है, फर्स्ट बूट हमारी स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं कि हमारा सेकेंडरी बूट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा था कि कुछ टाइम तक लोगो पे ही था। पर मैं आपके सामने कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहा हूँ कि लाइव कैसे करते हैं सारी चीज़ें, मैं आपके साथ लाइव प्रैक्टिकल कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं दिखाऊँगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ही करके दिखा रहा हूँ। अब ये बूट करेगा, ये देखिए फ्रेंड्स सेकेंडरी बूट पे स्टार्ट हो गया है, सेकेंडरी बूट हमारा स्टार्ट हो गया, मतलब जो हमारा लोगो का प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो गया है। तो मतलब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सेकेंडरी बूट कर रहा है, सेकेंडरी बूट करने के बाद फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। और अगर इसमें जीमेल लगा होगा, अगर इसमें गूगल अकाउंट लगा होगा तो ये FRP पे चला जाएगा फ्रेंड। तो FRP मैं हटाना नहीं दिखाया हूँ आज। आज मेरा जो टॉपिक था वो था आज लोगो का सोल्यूशन, हैंग ऑन लोगो सोल्यूशन था, जो कि मैंने हैंग ऑन लोगो सोल्यूशन दिया है। फिर इसके FRP का वीडियो, अगर आपको FRP जानना है तो हमारे चैनल में जाइए, आपको आई लिंक पे भी मिल जाएगा और स्क्रीन के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये 110% सॉल्व हो चुका है। और अगर आपको इसकी FRP की वीडियो देखनी है तो आई लिंक पे या डिस्क्रिप्शन पे या कहीं ना कहीं आपको इसकी FRP की वीडियो भी शो हो रही होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ये इसका 110% सोल्यूशन हमने दे दिया है, लोगो प्रॉब्लम आपको दे दिया है। इसकी अगर FRP जाननी है तो FRP के लिए भी वीडियो हमने डाला हुआ है, आई बटन पे जाइए और वहाँ पे आपको FRP भी मिल जाएगा कि FRP हम कैसे रिमूव करते हैं फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये जाहिर सी बात है इसमें गूगल अकाउंट लगा होगा और इसमें FRP है। तो अगर इसमें FRP भी जानना है फ्रेंड तो इसकी FRP आपको जानने के लिए आई बटन पे जाइए और इसकी FRP या लास्ट तक देखिए, लास्ट एंड में भी आपको इसकी FRP मिल जाएगी, FRP की वीडियो। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी होगी फ्रेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसका सोल्यूशन अगर आपको मिला है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।